मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट 15 जुलाई को करवाया था, तो आज करीब 27 दिन हो गए हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था जिस दिन करवाया था, 22 सेकेंड का वीडियो था। तो दोस्तों ने बोला यार अपना और वीडियो बना के डालो, मुझे पता चले कैसे प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने कोई मकसद नहीं था, कोई 27 दिनों में मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं था, कोई मेरा एक पिक्चर्स हैं। मैंने बोला ठीक है वीडियो बनाएंगे, और बोला कितना कॉस्ट लगी है, कितना क्या कहते हैं, कौन सा क्लिनिक था, कहाँ पर करवाया। तो मैंने बोला ठीक है मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा, उसकी आपको जानकारी पूरी दूंगा। तो मैंने उनको बताया कि मेरे करीब 10 रुपये पर ग्राफ्ट चार्ज हुआ था, और करीब 5,000 ग्राफ्ट लगे थे, और मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट चंडीगढ़ में करवाया है। करीब आज 27 दिन हो गए हैं, तो मेरे काफ़ी बाल 22 डेज बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जो ट्रांसप्लांट में जिन्हें बाल लगवाए हुए हैं बाल हैं वो पूरे झड़ना शुरू हो जाते हैं 22 दिन बाद, पूरे टूट जाते हैं, और नए बाल बोलते हैं 45 डेज बाद धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा 22 दिन में मेरा करीब काफ़ी डोनर एरिया भी अच्छा हो गया, और अभी जो फ्रंट वाला एरिया है, ट्रांसप्लांट एरिया है, उसमें काफ़ी मतलब बाल चले गए हैं। जैसे ये हेयर ट्रांसप्लांट जो हमारे हेयर लाइंस हैं जो इस प्रकार हैं, जो अभी की 27 दिन की हो गई हैं, और मेरा डोनर एरिया जो इस प्रकार है। और 27 दिन बाद देखो मेरा स्कैल्प, ये वीडियो उनके लिए है जो मेरे दोस्तों ने बोला था कितनी कॉस्ट लगी है, कितने ग्राफ्ट लगे हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने 5,000 मेरे ग्राफ्ट लगे हैं, और 10 रुपये पर ग्राफ्ट चार्ज था। ओके, धन्यवाद।